दोस्तों साल 2020 में स्टार प्लस पर प्रसारित सीरियल अनुपमा तो आप देख रहे होंगे, जो गुजराती गृहिणी अनुपमा के इर्द गिर्द घूमता है, जो एक समर्पित गृहिणी है, माँ और बहू हैं, अपने परिवार के लिए अपनी पूरी लाइफ को बलिदान कर देती हैं। इस सीरियल की यही कहानी दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है, इसलिए तो वर्तमान में ये शो टीवी इंडस्ट्री का नंबर वन शो बना हुआ है। लेकिन दोस्तों आप इस सीरियल के बारे में तो अब तक बहुत कुछ जान गए होंगे, पर ये जानकर हैरानी होगी कि अनुपमा सीरियल की टीआरपी नंबर वन पर होने की वजह से दर्शकों ने चार मशहूर सीरियल्स को देखना बंद कर दिया है, जो कभी टीआरपी के मामले में टॉप पर होते थे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको उन चार सीरियल्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे दर्शकों ने देखना कम कर दिया है टीआरपी में नंबर वन बनने वाले अनुपमा शो के बाद। फिर आइए एक एक करके जानते हैं कौन से हैं वो सीरियल। नंबर फोर, कुंडली भाग्य। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम है कुंडली भाग्य का, जिसमें एक समय से दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है और ये एक टाइम पर टीवी इंडस्ट्री का नंबर वन सीरियल था। लेकिन वर्तमान में सीरियल की कहानी कुछ खास पसंद नहीं आ रही, जिसकी वजह से इसकी टीआरपी कम हो गई है, कम होके चौथे नंबर पर आ गई है। वहीं दूसरी ओर वर्तमान में अनुपमा सीरियल को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है, जिसकी टीआरपी बढ़कर नंबर वन पर आ गई है। नंबर थ्री, ससुराल सिमर का टू। इस सीरियल में तीसरे नंबर पर है ससुराल सिमर का टू, जिसमें वर्तमान में ससुराल सिमर का की दूसरी पीढ़ी के बारे में दिखाया जा रहा है, जिसकी कहानी दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इसकी कहानी भी पहले सीजन से मिलती जुलती है। लेकिन वर्तमान में स्टार प्लस पर प्रसारित सीरियल अनुपमा की कहानी दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है, जिसकी वजह से दर्शक ज्यादातर सीरियल को देखना पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि ससुराल सिमर का टू सीरियल की टीआरपी गिरकर तीसरे नंबर पर आ गई है और अनुपमा अभी टीआरपी रेट में पहले नंबर पर है। नंबर टू, गुम है किसी के प्यार में, टीआरपी नंबर टू। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम है गुम है किसी के प्यार में, जो वर्तमान में स्टार प्लस पर प्रसारित हो रहा है, जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है, जो एक साहसी धर्मी युवा महिला सई जोशी, एसीपी विराट और बाकी के लव ट्रायंगल पर आधारित है। लेकिन फिर भी दर्शकों द्वारा अनुपमा सीरियल खूब पसंद किया जा रहा है, जो वुमेन एम्पावरमेंट पर आधारित है, इसलिए वो सीरियल टीआरपी रेट में नंबर वन पर है और ये शो टीआरपी में नंबर टू पर। नंबर वन, इमली। इस लिस्ट में नाम है इमली का, जो एक 18 साल की गाँव की लड़की की कहानी है, जिसे गाँव की कुप्रथा में फंस जाती है और उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी कहानी को दर्शकों ने खूब पसंद किया, जिसकी वजह से ये टीआरपी रेट के मामले में वर्तमान में नंबर वन पर चल रहा था। पर इससे शो की अपनी जगह बांटनी पड़ रही है अनुपमा के साथ, जिसकी कहानी एक वुमेन एम्पावरमेंट पर आधारित है और वो दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये भी वर्तमान में नंबर वन पर चल रहा है और वो भी। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इन सीरियल के बारे में जानकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।